पिछले कई सालों में हम लोग ने देखा है कि क्या एडवांसमेंट हुई है डिजिटल पेनिट्रेशन में और हमारे इम्पैक्ट में. मतलब आज बिना टेक्नोलॉजी के मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट सर्वाइव 10 मिनट्स. आपको पता है एक रिपोर्ट ने हमको बताया कि इंडिया में 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स होंगे 2026 में और उसमें से 200 मिलियन होंगे सीनियर सिटीजन्स. कमाल की बात है ना. टेक्नोलॉजी इतनी जरूरी हो गई है कि वेदर इट्स किड्स और एडल्ट्स एवरीवन नाउ हैज टू यूज देयर स्मार्टफोन्स. पैंडेमिक ने इस चीज को और अंडरलाइन किया. लेकिन आपको पता है नॉट एवरीवन इज टेक्नोलॉजिकली सैवी. आप जिस तरीके से स्मार्टफोन यूज करते हैं मे बी सीनियर सिटीजन्स के नॉट. कुछ लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है, कन्फ्यूजिंग होता है. सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत डॉन्टिंग होता है टू यूज अ स्मार्टफोन. उनके लिए नेविगेट करना, जितने ऑप्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट. थोड़ी उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं. दे रियली रियली स्ट्रगल. सो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत इंटरमीडिएटिंग हो जाता है टू इवन मेक अ वीडियो कॉल या बैंक ट्रांजैक्शन या व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजना, ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन. इसी वजह से वो स्मार्टफोन से काफी डर के रहते हैं. नीलम और पिंकी ने भी यही देखा अपने पेरेंट्स के साथ. उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे व्हाइल यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स और उन्होंने सोचा कि हमारे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी होंगे जिनके भी यही सेम स्ट्रगल होगी. उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल हेल्प एम्पावर द एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी. पिंकी और नीलम ने शुरू किया मोबाइल पाठशाला. उनका एक ही इंटेंशन था कि हम एम्पावर करेंगे सीनियर सिटीजन्स को टू मेक देम टेक्नोलॉजिकली सैवी. उनका मोटो एट द पाठशाला इज कि लर्निंग में कोई एज बैरियर नहीं होना चाहिए. एवरीबडी कैन लर्न, एवरीबडी कैन अपग्रेड देमसेल्व्स. ये दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं. उन्होंने देखा है कि अ लिटिल बिट ऑफ लेसन्स, अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग और बहुत सारे लोग जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे दे आर एबल टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन. नाउ एल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, एक इंडिपेंडेंस मिल रही है व्हिच दे वर लुकिंग फॉर. हम मिले पिंकी और नीलम से टू नो मोर अबाउट मोबाइल पाठशाला. ये इस पाठशाला की सबसे बेहतरीन विद्यार्थी हैं. ये 80 साल की हैं और हर भारतीय की तरह क्रिकेट प्रेमी हैं. इस उम्र में क्रिकेट के बेहतरीन पलों का लुत्फ उठा पाना इनके लिए संभव नहीं होता. वापस से निकालो, ये देखते हैं कौन कौन जीता, पूरा क्रिकेट का आप देख सकते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब इन्होंने फोन पर अपने पसंदीदा खेल को देखना सीख लिया है. अब विराट कोहली जब भी मैदान में उतरता है उसे इनकी दुआओं की जरूरत पड़ती है. 26. क्या, कौन बनाया? कौन बनाया? विराट कोहली. विराट कोहली मैन ऑफ द मैच. विराट कोहली. इनके सुनने की शक्ति भले ही कम हो गई हो लेकिन क्रिकेट के लिए उनका जोश और उत्साह कभी कम नहीं हुआ. यूट्यूब देखते हैं और कोई से बात करना होता है तो कर लेते हैं सुबह उठते ही पहले. और क्रिकेट का देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं. गाड़ी में जाते हुए भी क्रिकेट देख लेते हैं. सिर्फ शकुंतला मोहता नहीं, मोबाइल पाठशाला और भी कई लोगों की जिंदगी में मोबाइल चलाना सिखाकर बदलाव ला रही है और अपने सपने पूरा करने का हौसला दे रही है. वीडियो बनाने और एडिट करना सीखने के साथ साथ शॉपिंग एप्स का इस्तेमाल करना, पेमेंट करने जैसी सुविधाओं ने मोबाइल फोन के जरिए इन महिलाओं को ऐसी आजादी दी है जिसकी इन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी. इन महिलाओं में से कई लोग सीनियर सिटीजन हैं. पहले ये हर छोटी छोटी चीज के लिए पति और बच्चों पर निर्भर रहती थीं. अब ये आसानी से अपने दम पर चीजों को मैनेज करती हैं. इससे इनकी जिंदगी काफी आसान और उत्साह से भर गई है. एक्चुअल में मोबाइल मेरे को आजकल मनुष्य मात्र का बेस्ट फ्रेंड लगता है. इसके अलावा मैं इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन कह सकती हूँ. इसे मैं ज्ञान का सागर कह सकती हूँ, एंटरटेनमेंट का खजाना कह सकती हूँ. कोई भी अपनी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इससे काफ़ी बढ़ा सकता है. सिक्योरिटी अहम पहलुओं में से एक है जिसे मोबाइल पाठशाला के दौरान सिखाया जाता है. सदस्यों का कहना है कि इसने उन्हें साइबर क्राइम से बचाने में मदद की है. साइबर क्राइम के मामले भारत में लगातार बढ़ रहे हैं. बिकॉज ऑफ देम एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं बाहर घूमने गई हुई थी, उदयपुर में थी और वहाँ पे एक फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम एक OTP आया है वो भी पेटीएम पे. एंड यूजली ऐसा होता नहीं है कि कोई फोन आए वो भी पेटीएम पे.
तो मुझे सडन एक मिनट के लिए तो मैंने सोचा, बट देन इट जस्ट क्लिक माय माइंड कि नहीं, ये एक फ्रॉड कॉल हो सकता है, क्योंकि इन दिनों बहुत साइबर क्राइम्स के बारे में हम सुन भी रहे हैं, पेपर में पढ़ भी रहे हैं, और क्योंकि इन्होंने हम लोग को कुछ दिन पहले क्लास की थी और उसमें बताया था, तो डैट रियली हेल्प मी, बिकॉज 5,000 रुपीज मैंने एक दिन पहले ही डाला था, और अगर मैं OTP दे देती उस समय तो वो मेरा अकाउंट खाली कर देता. सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स मी. जहां एक तरफ सिक्योरिटी और इंटरनेट पर सुरक्षित रहना पाठशाला का अहम हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर सीनियर सिटीजन घर में रह रही महिलाएं जो अपने पति और बच्चों पर निर्भर रहें, बिना किसी परेशानी के अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उनकी आज़ादी सुनिश्चित करना भी इसका अहम भाग है. मोबाइल पाठशाला के पीछे दो महिलाओं का योगदान है. उनका कहना है कि उन्हें अब तक की तरक्की देखकर बहुत खुशी मिलती है. उन्होंने लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़े बदलाव किए हैं. नीलम और पिंकी को आसान ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को सशक्त करने में बहुत खुशी मिलती है. मोबाइल पाठशाला बिलीव्स दैट लर्निंग हैज नो एज, वन मस्ट कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग देमसेल्फ. सो दैट इज हाउ सो वी टीच ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट, फ्रॉम जनरली इट इज 40 प्लस ओनली. इट देर आर ब्यूटिशियन, देर आर होम मेकर्स, देर आर टीचर्स, देर आर न्यूट्रिशनिस्ट, बिजनेसमैन हु वॉन्ट टू प्रोमोट देयर बिजनेस ऑनलाइन. सो ऑल काइंड ऑफ पीपल. और हमारी क्लासेस को हम दो फॉर्म में डिवाइड करके रखे हैं. एक होता है नो योर फोन बेसिक्स, वहाँ जैसे अभी एकदम नोविश है क्लास 50 प्लस, जिनको एप्स को अपडेट करना डाउनलोड करना भी नहीं आता है, इतना सिंपल सा इतना प्रॉब्लम हो रहा है, स्क्रीनशॉट करना नहीं आता है, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ में ग्रुप में वीडियो कॉल करना सिखा देते हैं, ऐसे उनकी लाइफ में एंजॉयमेंट आ गया, एंटरटेनमेंट आता है साथ में. तो सी आर सो हैप्पी नाउ, वी आवर लाइफ इज सेल्फ डिपेंडेंट नाउ. इस मोबाइल के थ्रू हो तो रहा है, लेकिन और भी कुछ है तो हमको सिखाइए. पिंकी ने बताया कि जहां एक तरफ वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी के फायदे बताती हैं, वहीं दूसरी ओर वो सदस्यों को फोन पर हद से ज्यादा निर्भर होने के नुकसान भी बताती हैं. नीलम ने बताया कि उनके पास 2019 के बाद से इमरजेंसी के समय मोबाइल के इस्तेमाल से जुड़ी कई कहानियां हैं. इनकी मदद से उन्होंने सदस्यों की जरूरत के हिसाब से पाठ तैयार किए. 1995 में इस देश का सबसे पहला मोबाइल फोन कॉल, उसके बाद भारत में स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन. इस देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेज गति से बढ़े है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो मोबाइल फोन यूज करने में डरते हैं या झिझकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट लिटरेट नहीं है या मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल करे ये उनको ठीक तरीके से पता नहीं है. मोबाइल पाठशाला इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं, लोगों को ये सिखा रहे हैं कि अपना मोबाइल फोन स्मार्टली कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में सुरक्षा पे भी ध्यान है. कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया. माई गॉड, वॉट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड वॉट अ ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन. आप दोनों ने बहुत कमाल का काम किया है. वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सीनियर सिटीजन्स टेक्नोलॉजिकली सैवी. अच्छा बताइए, कितना इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन्स को टू बी एबल टू यूज़ द स्मार्टफोन, जैसे आज का जो युग है, जो हमारा काम है, जिस तरीके से हम लोग लाइफ लीड करते हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर सीनियर सिटीजन्स? सो वन डे आई वॉज सिटिंग विद माई पेरेंट्स and they were continuously asking me questions, how to download this app, how this feature works, how to save this into gallery, or how to delete things from there. So I very patiently taught them all these things, and slowly and gradually I kept teaching them lot of features of phone. So the spark I could see in their eyes, the confidence which they were gaining day by day, I saw why not, this is a real need of the society, why not take it forward. We organized one seminar and it was a big hit, and then there was no looking back.
So we kept doing workshops and seminars for the 40 plus generation, and we taught around 1500 plus people, students I can say, about how to use mobile application. Thank you both of you and congratulations once again. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Snapdragon आप लोग सबको आमंत्रित कर रहा है. All you Sale Guru fans, join करिए उनकी global community जिसका नाम है Snapdragon Insiders. यहाँ पे आपको access मिलेगा to the latest scoop on Snapdragon technology. एक chance मिलेगा to connect with the experts behind the scenes. Premium experiences हैं यहाँ पे, exclusive contests हैं, बहुत कुछ और है. देखिए मैं तो Snapdragon Insider बहुत time से बना हुआ हूँ, आप भी बन सकते हैं by simply following Snapdragon on their Twitter and Instagram account. उनके handles मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ. आपको एक बहुत बड़ा chance मिल रहा है to also win a OnePlus smartphone. Participate करिए in the NDTV Snapdragon contest. अभी के अभी जाइए to ndtv.com/unleashyourdreams.